जीवन में कुछ चीजें परीक्षा है, परीक्षा में पास हो प्रमोशन मिलेगा, पास होना है तो परीक्षा में जाना पड़ेगा, लेकिन जय पानी होगी। और लाइफ में कुछ लोग डिफिकल्टी से डरते हैं, सब समय बहाना है और डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट है, मुश्किल है, कठिन है, मेरी परिस्थिति, मैं तो, लेकिन तो, ऐसा तो, वैसा तो, करते हैं ना। लेकिन डिफिकल्टी तो तुम्हारा वही मार्कशीट बनेगी ना कि तुम डिफिकल्टी में पास हुए कि नहीं, वहीं से तुम नेक्स्ट लेवल तक जाओगे। बिना मुश्किल कुछ होता है? अगर तुम प्रभु के तरीके से नहीं चलोगे तो नहीं चाहिए तुमको। तो हमेशा याद रखो, खोने का गम मत रखो, तभी पाने के लायक रहोगे। अगर हम बिना रूल्स के लाइफ जिएंगे ना तो हम लोग कभी ब्लेस नहीं रहेंगे। तो यही समय लाइफ या तो बदल जाएगी, एकदम ब्लेस्ड हो जाएगी, या पूरी बर्बाद हो जाएगी। बट सोच के देखो, सही में परमेश्वर का आत्मा अविश्वासी से भी वाद विवाद करता है। और कितने दुख की बात है, कई बार विश्वासी से भी वाद विवाद करना पड़ता है। हम आर्ग्यू करते हैं, हम रेजिस्ट करते हैं, हम कोऑपरेट नहीं करते। इसलिए अंदरूनी जीवन पर ध्यान दो, अनॉइंटिंग आ जाएगी। प्रभु का सामर्थ्य चाहिए कि पहले प्रभु चाहिए? तो अंदर का जीवन है वो रियल इंपॉर्टेंट जीवन है। अंदरूनी जीवन प्रभु के साथ सहभागिता, उस पर ध्यान दो, सामर्थ्य अपने आप आ जाएगा। तुमको सामर्थ्य बिना करेक्टर के चाहिए? प्रभु बोलेंगे हम तो एक ही हैं, दो कब से हो गए हम? सामर्थ्य और करेक्टर दो चीजें। मैंने क्या बोला, जब ये दोनों डेवलप हो जाते तब मिनिस्ट्री रेडी हो जाती, राइट? ना हमको मिनिस्ट्री विदाउट पावर के चाहिए, ना हमको मिनिस्ट्री विदाउट करेक्टर के चाहिए। कई जगह बहुत करेक्टर है, कोई पावर नहीं है, फायदा है। और कई जगह बहुत पावर है, करेक्टर नहीं है, फायदा है। तो हम लोग को दोनों चाहिए, राइट? अब मैं बोला मिनिस्टर वही है जब दोनों डेवलप हो जाए। जब दोनों तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगा, तुम्हारी बातों में एक अलग सामर्थ्य रहेगा, एक अलग वो रहेगा। लोग बोलेंगे आपने वो बात बोली थी ना, तुम याद नहीं, कौन सी वाली बात? बोलो उस दिन आप वो बात बोल रहे थे ना, उस दिन कुछ हो गई। ये तो सारी सबसे बात दिमाग को छूती रहेगी, दिल तक पहुंचना कि नहीं, दिमाग से होके जाओगे। लेकिन जब अनॉइंटिंग होती है ना तो पियर्स करती चीजें, अंदर जाती है। तो चाहिए कि अंदर जाए बातें? रुकावट क्या है? रुकावट एक मौका है पास होने का, नेक्स्ट लेवल जाने का। बिना रुकावट के कुछ होता है? अच्छा काम तो बिना रुकावट के नहीं होता। गंदा काम करो, देखो कोई रुकावट नहीं है। जहां अच्छी प्रेयर कर लो, देखो रुकावट ही आ जाएगी। जीवन में कोई अच्छा काम है बिना रुकावट के? लेकिन रुकावट से डरते हैं कि नहीं? चाहते हैं ना रुकावट नहीं है। लेकिन क्या हो अगर तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल जाए, तुम्हारी सोच जीवन के प्रति बदल जाए और तुम एक वॉरियर बन जाओ? हम लोग वॉरियर समझते हैं ऊपर खाली लड़ रहे, वैसे नहीं। लाइफ में तुमको समझ में आ जाए कि नहीं, परमेश्वर चाहता है हमारा एटीट्यूड बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, हमारा जीने का तरीका बदल जाए। और इसीलिए जब सिद्धांतों को ठीक से समझते हैं ना, जीवन देखने का तरीका बदलता है। यीशु क्या बोले, हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। क्या अच्छा है, तुम्हारी आत्मा अपने आप निकल जाएगी, तुम सौंप दो। जीत किसको मिलती है? जो जीतना चाहता है। और इसलिए जब हम सिद्धांत को अच्छे से समझते हैं, हमारा जीने का तरीका निरंतर बदलता जाता है। तो अपने सिचुएशन में वर्ड स्पीक करने लगते हो, सिचुएशन में डाउट नहीं स्पीक करते हो, उन चीजों को ऐसा बोलना जो है नहीं लेकिन मानो जैसे है। क्योंकि क्यों पूछो, क्यों 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 परमेश्वर ऐसी बात कर, मतलब हम क्या पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, हम वर्ड स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। जो प्रभु बोलते हैं वो तुम भी बोलो। प्रभु क्या बोलते हैं? हर सिचुएशन के लिए एक वर्ड है, लेकिन हम वो नहीं बोलते जो प्रभु बोलते हैं। क्योंकि प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु ऐसा बोलते हैं जैसे मानो वो है लेकिन वो है नहीं। तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कैसे बोलते हो? वो प्रॉब्लम के बारे में ही बोलते हो, जो है उसी की बात कर रहे हो, लेकिन जो हो सकता है वो नहीं बोल रहे हो। तो पॉसिबिलिटी क्या है? पूछो पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब क्या संभव है? पूछो क्या संभव है, जो प्रभु कहते हैं। तुम सोचो क्या संभव है? जो प्रभु बोलते हो सब संभव है। लेकिन यहां सबके लिए संभव नहीं है, जिसके पास विश्वास है उसके लिए संभव है। मतलब जहां विश्वास आता है, तो अब्राहम तो मूर्ति पूजक था, आज विश्वासों का बाप बन के बैठा है। पॉसिबिलिटी समझो। हम लोग अभी आज हिंदू क्रिश्चियन करते रहते, राइट? हम लोग हिंदू क्रिश्चियन करते रहते ना, मैं हिंदू परिवार से, हु केयर्स? ज्यादा पॉसिबिलिटी तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए वर्ड रॉ है, तुम बिलीव कर सकते हो। क्रिश्चियन तो उसी एनवायरमेंट में लूजर लोग को देख देख के पला है, उसको तो लगता है कुछ नहीं होता। तभी तो जब नया नया विश्वासी कोई होता है, खासकर दूसरे समाज से आता है, उसके लिए कितनी रॉ होती चीज, राइट? वो तो चर्च में नहीं पला बड़ा, लूजर लोग को, हिपोक्रेट लोग को देख के पला बड़ा, क्योंकि उससे कई बार डाउट आ जाता है मन में। तो इससे सवाल होता है ना कि तुम मिनिस्ट्री में क्यों एंटर किए? पैसों के लिए किए, लोगों के लिए किए, या प्रभु के लिए किए? अगर तुमको आत्मा बचानी, और आत्मा बच नहीं रही तुम्हारे चर्च के अंदर, इतने खोए हुए लोगों का फायदा क्या? तो
खोने से डरना नहीं है, तभी आदमी जाबाज हो जाता है, पाने के लायक हो जाता है। कई बार तुमको मालूम है तुम पुरानी चीजें नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी लाइफ में नया काम नहीं होता। तुमको क्या मालूम प्रभु तुम्हारी लाइफ में नया काम करना चाहते हैं, लेकिन तुमने पुराना पकड़ के रखा है, तुम छोड़ना नहीं चाहते। और जो छोड़ना नहीं चाहता उसको मिल कैसे सकता है, जो देना नहीं चाहता उसको कैसे मिल सकता है? छोड़ना आना चाहिए तभी मिल सकता है। खोने का डर ही हमको ऐसी चीजों को पकड़ के रखने में मजबूर करता है जो पकड़ने लायक नहीं है। खोने का डर, ये चला गया तो क्या होगा, वो जाने के बाद मालूम चलेगा, आप जाओ देखते फिर क्या होता है। तो उससे क्या, हम अपनी लाइफ बिना रूल्स के जीते हैं, हम अपनी लाइफ बिना ग्रेविटी के जीते हैं, और हम बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम जिंदगी भर अगर डरते रहे ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, करते हैं हम अधूरे रह जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्यों पूछो क्यों? पहले तो हम डर के जी रहे, वही सबसे बड़ी हार है। कल तूफान आ जाएगा तो आज तो सो ले, मानो चाहे तुम रात को सोए भी नहीं, तूफान आया भी नहीं, फिर जो करना था तुम वो भी नहीं कर पाए। कल की चिंता में विश्वास से नहीं जीते, कल क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो तुम्हारा जजमेंट समय से पहले नहीं होना चाहिए, बट एक राइट टाइम आता तुम जज कर सकते हो, राइट? कि अब एक पैटर्न एस्टैब्लिश हो गया, सामने सुधारना नहीं चाहता, ओके तो हम अपना डिसीजन लेते, हमने मौके दिए। बट वाद विवाद की आत्मा हम में नहीं है, आर्ग्यूमेंट की स्पिरिट हम में, तुम आर्ग्यू करते रहो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। हर एक को खुश रखना आसान है, इसका मतलब क्या सबको दुख कर दे, दुखी कर दे? इसका मतलब कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड है, कभी खुश नहीं होंगे, दे विल नेवर बी हैप्पी। ऐसे लोग चर्च में भी मिलते हैं, चर्च के बाहर भी मिलते हैं। हम कई लोगों को आंख में देख के बोलते हैं तुम खुश नहीं हो सकते, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम वो नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम सर्कमस्टेंस नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम हो। यू आर नेवर सेटिस्फाइड, नेवर हैप्पी, अनलाइक गॉड। गॉड ऐसे नहीं है। कई लोग के माइंड में गॉड की इमेज भी ऐसी है, गॉड को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है कि नहीं वैसी इमेज? तुम 5 बजे उठोगे तभी गॉड सेटिस्फाई, 6 बजे वो गुस्सा खोज रहे कहां गया, तुम कहां हो, प्रभु आप क्यों नाराज हो? कई लोग के माइंड में गॉड की इमेज है ना, एंग्री यंग मैन वाली, कि प्रभु को कच्चा चबा जाएंगे, संडे सर्विस में सोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम संडे सर्विस से बोला आज हम सो रहे अभी, तो ये रीजन है मिस करने का, कभी हो सकता, मान के चलो कभी हो सकता, तो तुम्हारा हार्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन कुछ लोग लाइफ से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ डर के जीते, सिर्फ नाराजगी में जीते, कब भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? मिल भी गया तो भी सेटिस्फाइड नहीं है, हमेशा गुस्सा, ऑलवेज एंग्री, ऑलवेज प्राउड, ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड। तुम जब कॉम्प्रोमाइज कर करके हर जगह एडजस्ट करते रहोगे तो तुम तो ऑलरेडी खो चुके हो। मुझे पूछा तुमको क्या बनाना है, आप क्या बनाना चाहते? इंसान, ऑलराउंड डेवलपमेंट, क्योंकि प्रभु का वचन ऑलराउंड डेवलपमेंट दे सकता, राइट? क्या फायदा हम लोग इतने आत्मिक बन जाए और हमारा शरीर हमारे हाथों में नहीं, हमारी चीजें हमारे हाथों में नहीं, हमारा काम हमारे हाथों में नहीं, फायदा है? प्रभु तो ऑल वाइज गॉड है, हर चीज की प्रज्ञा दे सकते, राइट? मैं हर सीजन में एक नई बात बोलता हूं, जो बात बोलता हूं उसको ध्यान से सुनो, उसको अप्लाई करो, लाइफ बहुत ब्लेस्ड होगी। इस सीजन में एक ही बात सिखा रहा हूं, ना आर्ग्यू करो, ना दूसरों के चक्कर में अपनी टांग अड़ो। कई लोग सब समय होता दूसरे क्या कर रहे हैं, शांति से जीना, अपनी लाइफ पे फोकस करो, हमको क्या चाहिए, प्रभु हमसे क्या बात कर रहे हैं। इससे जिनसे प्रभु रेगुलरली बात करते उनके पास फुर्सत थोड़ी ना, प्रभु किनसे बात नहीं करते? जिनके पास फुर्सत है सब जगह दिमाग अड़ाने की, क्यों? फिर वापस प्रेयर की फुर्सत नहीं है, तुम प्रेयर करो ना, देखो फुर्सत ही नहीं मिलेगी, तुमको दिन भर चिंता रहेगी, आज प्रेयर करना, अभी प्रेयर करना, उसी में दिन निकल जाएगा। और जब तुम प्रेयर करोगे, प्रभु से सुनोगे, तो एक जगह वार्तालाप चल रही है। लाइफ में सक्सेस चाहिए तो क्वालिटीज होनी चाहिए जो सक्सेस लाती है, और इसलिए मैं बोलता हूं सबके पास प्रभु से पर्सनल वर्ड होना चाहिए अपने फ्यूचर को लेके। क्यों? क्योंकि फ्यूचर गॉड के हाथ में। इसलिए एक प्रोफेसी लोगों को एनकरेज कर देते कि नहीं, तो वचन में लिखा है ना कि जिसको प्रोफेसी का वरदान है वो दूसरों को बिल्ड करता है, एनकरेज करता है, सिखाता है। तो प्रभु हमको क्या बिल्ड करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते, सिखाना चाहते, निर्देश देना चाहते, हमको एनकरेज करना चाहते। आमीन। प्रभु को ऐसे लोग पसंद नहीं है, क्या होगा प्रभु, प्रभु चलो ऊपर चलो, एलिजा को लेके देखने, बोलो ऊपर चलो तुमसे बात करते, छोड़ दो काम, छोड़ दो, क्यों? तुमसे होगा नहीं, तुम डिस्करेज हो, तुम बहुत बड़े नबी हो लेकिन तुम डिस्करेज हो। जब डिस्करेज होते हम वो बोलने लग जाते हैं जो शैतान हमको बोलता है, आखिर कान में बात करता है कि नहीं? इसलिए कुछ लोगों से शैतान सक्सेसफुल कभी नहीं होता, क्यों? वो जब आके कान में बोलता भगा दे, बब
लेकिन कुछ लोग गॉड का वर्ड बोलते नहीं, वो अपने वर्ड बोलते रहते हैं। तुम्हारा वर्ड कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम गॉड के वर्ड को अपना वर्ड बना लोगे, गॉड के प्लान को अपना प्लान बना लोगे, और अगर गॉड ने प्लान दिया है, मैंने ओके प्रोफेसी अपने आप में कुछ नहीं अगर प्रेयर नहीं है तो। शैतान बोलेगा नहीं नहीं प्रभु प्रोफेसी कर दे, आप पूरा कर लीजिए जो भी करना है ना। और शैतान कुछ लोगों के साथ फुटबॉल खेलता है, इस पांव से मारेगा उस पांव से मारेगा, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे लोग सिचुएशन से नहीं हिलते, वो आत्मा की अगुवाई से इधर उधर हिलते। सिचुएशन तो हमेशा तुम्हारे से लड़ेगी। सिचुएशन कंफर्टेबल कब होती है? जब तुम जीतना चालू करते हो। जीतना है कि नहीं? एक विनर का माइंडसेट रखना है कि नहीं? विनर क्या बोलता है? मैं पर जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन लूजर क्या है? वो अपने अंदर खाली कमी निकालता रहता है। और अपने अंदर कमी और अपने अंदर की जांच करना, इन दोनों बातों में फर्क है, राइट? जैसे मान के चलो तुम्हें कॉन्फिडेंस की कमी है, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड है, तुम्हारे साथ हमेशा गलत हुआ, ये हुआ, ठीक है, लेकिन प्रभु के वर्ड को अपनी लाइफ का वर्ड बना लो ना। तो प्रभु का वर्ड स्पीक करो ना। क्यों? प्रभु वैसे स्पीक करते जो है नहीं लेकिन मानो है। हमारी सोच में, हमारे जीने के तरीके में, हम दूसरों से कैसे रिश्ता रखते हैं, हम कैसे बात करते हैं, इन सब में बहुत फर्क आना पड़ेगा। तो खोने का डर नहीं होना चाहिए। अगर हम कंट्रोल में होकर भी कंट्रोल में नहीं है, फिर हम कैसे कंट्रोल में? तो सोचो लाइफ में कितनी जगह प्रभु ने सबको बॉस बनाया, लेकिन हम लोग चपरासी बन के घूम रहे। बट हम बॉस होके चपरासी जैसे घूमे फायदा होगा? और अथॉरिटी लेके उस जगह में वो नहीं कर रहे जो हमको करना चाहिए, लेकिन हम हर जगह एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज कर रहे क्योंकि हमको सब बना के रखना है। तो जहां तुम्हारे पास अथॉरिटी और तुम उसका यूज नहीं करते, तो तुम अपना लेवल खो देते हो कि नहीं? इसलिए तुमको, तुम लाइफ में जिस भी स्पेयर में हो, बहुत सी जगह तुम्हारे अभी भी अथॉरिटी है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन लाइफ मेरी स्टीयरिंग किसी और के हाथ में मैं अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ जगह मेरी अपनी अथॉरिटी है। हम सब समय हर सिचुएशन से, हर परिस्थिति से एक अपने गुस्से वाला संघर्ष करेंगे, हम कभी नहीं जीतेंगे। बट लाइफ में हम सबको क्या चाहिए? रेवलेशन। एक रेवलेशन किसी की लाइफ बदल सकती है। इससे मैं बोल रहा हूं, प्रभु चाहते हैं कि उनके लोग समझदार हो ताकि हमारा नाश ना हो। क्यों? पूछो क्यों? सत्य क्या है? दुनिया बोलती है देखिए जो आपका सत्य हो सकता है मेरे लिए झूठ है, जो मेरे लिए सत्य है हो सकता है आपके लिए झूठ है। हम उस वर्ल्ड व्यू के नहीं है। हमारा बिब्लिकल डॉक्ट्रिन है सत्य सत्य है, झूठ झूठ। अगर सत्य की बुनियाद में जीवन बनाना है तो सत्य सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। तो बोला आप क्या बात पूछना बताना चाहते हैं? अपना एटीट्यूड ठीक कर लो। हर बात में, सिचुएशन में डाउट वाला व्यक्ति चाहिए कि हर सिचुएशन में फेथ वाला व्यक्ति चाहिए? अगर हम लोग लाइफ में सब समय, मैं क्यों आर्ग्यूमेंट नहीं करता, पूछो क्यों नहीं करता? टाइम बहुत कम है ना। सारी आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी है ना सारी आर्ग्यूमेंट हारना जरूरी है। आर्ग्यूमेंट नहीं करना वो जरूरी है, क्योंकि हमने एक बात बोली, तुमने एक बात बोली, ओके नाउ दोनों का अंतर्मन और प्रभु इनको डिसाइड करने दो। क्योंकि अगर हम लोग एक ही सिचुएशन के लिए, एक ही जन से, एक ही परिस्थिति में, एक ही बात के लिए बार बार लड़ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे। और एक सिचुएशन हमको कहीं अटका के रखी है, आज उस पर जय पाना है कि नहीं? जय पाना है कि नहीं? तो हम पे नाराज मत हो। किस पे नाराज हो? अपने आप पे भी मत हो। सीधा बात को समझ लो और अपने अंदर वो बदलाव आने दो। कैसे? जब तुम दोगे प्रभु। इसलिए तो कई जो विश्वासी आत्मा से एकदम ठीक है, उनके प्राणों में लकवा मारा हुआ है, उनके इमोशंस गड़बड़ है, उनकी सोच गड़बड़ है, उनकी इच्छा शक्ति गड़बड़ है। तो तुम्हारी प्राणों में हीलिंग आनी चाहिए, तुम्हारे बॉडी में हीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि अगर प्राण गड़बड़ रहेंगे, दिमाग तो सब समय गलत सोचों से भरा रहेगा। अगर डेविल दिन रात तुमको 1001 कारण बताए कि तुम्हारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो सकता और तुम चुपचाप उसकी सुन रहे हो, मतलब तुम डाउट और डिस्करेजमेंट वाले व्यक्ति हो। डेविल तो तुम्हारी एक डांट में भाग जाना चाहिए। बप! तब तुम उसको बताओ, हम वैसे बोलते हैं जो है नहीं लेकिन मानो जैसे वो है। क्यों? हम अपने प्रभु की तरह बोलते। सिचुएशन बदले। मैं बोलता हूं, सही बोल रहा हूं, यहां कुछ लोग हैं अभी फाइनेंशियली वीक हो, लेकिन आगे जाके मेरा चैलेंज है तुम फाइनेंशियली ब्लेस रहोगे। प्रिंसिपल सीख लो, नहीं तो पैसा आने के बाद फिर चला जाएगा। लॉटरी चाहिए कि परमानेंट चेंज चाहिए? तो फेथ से फेथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो लाइफ एक लॉटरी की तरह हो जाएगी। आज जैकपॉट और फिर सारा पैसा रात को उड़ा देंगे हम। लेकिन कंसिस्टेंटली आगे मूव करना है तो कंसिस्टेंटली फेथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और फेथ कैसे आएगा? गॉड के वर्ड से, जीसस को देखकर चलने से।
जब हम लोग जीसस को देखते हैं बहुत सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, मालूम चल जाता है शायद हम ही गलत हैं, अपने आप को चेंज कर लो। इससे कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, हम इससे जितना हम ट्रांसफॉर्म होंगे उतने लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। इससे बोल रहा प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, प्रॉब्लम एक बहुत अच्छा तरीका है लाइफ में सीखने का, क्योंकि प्रॉब्लम मुंह बंद कर देती कई बार। कई लोग प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बोलते, टॉकेटिव स्पिरिट, तब नहीं बोला आत्मा तुम पे आएगा तुम बोलने लगोगे, तुम प्रेयर करने लगोगे, आत्मा तुम पे आएगा तुम लड़ने लगोगे, एक दूसरे को नष्ट कर दोगे, आएगा नहीं। आत्मा तुम पे आएगा तुम क्या तुम मेरे गवाह बन जाओगे, कैसे, बिकॉज यू क्लोथ विद पावर। लेकिन सबको पावर चाहिए, अंदर का जो जीवन है उस पर कौन फोकस करे, अंदरूनी जीवन। पावर शैतान के पास नहीं है, लेकिन है तो क्या शैतान ही। तो ऑल राउंड चेंजेस चाहिए कि नहीं लाइफ में, ऑल राउंड फेवर के लिए ऑल राउंड चेंजेस होने चाहिए। तुमको प्रभु के साथ सहभागिता करनी चलनी, तब तुमको समझ में आएगा नहीं बहुत सी बातें हम बदल सकते हैं, कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह सहभागिता में यदि प्रभु के साथ नहीं बढ़ रहे विश्वास भी नहीं बढ़ेंगे। विश्वास कैसे आएगा जब तक प्रभु से नहीं सुना है, तो बाइबल में तो सब लिखा है प्रभु क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पढ़ने से विश्वास नहीं आता, सुनने से आता है। तुम्हारा स्वभाव बदल सकता है, इस चीज के लिए भी विश्वास चाहिए। मतलब गॉड का वर्ड जब मेरे स्पिरिट में जाता है, मेरा अंदर का आदमी लिबरेटेड हो जाता है। बोला ए प्राण शरीर इधर बैठो चुपचाप, आज तुम्हारी क्लास लेता हूं, देख क्या तमाशा बना के रखा मेरे जीवन का। तुम्हारे अंदर का आदमी, मैं से बोला अंदर का आदमी, अंदर कौन है, भूत। सोचो भूत निकल जाए, दूसरा आ जाए, जगह खाली है कोई भी घुस सकता ना। अब देखो पवित्र आत्मा जाए वहां तो कोई नहीं घुस सकता, लेकिन तुम्हारे प्राणों में अगर चंगाई नहीं है, तुम्हारे सोच का तरीका गलत है, डेविल तो बार बार आके बात करेगा। इसको मालूम है बहुत अकेला है, ये बहुत अकेली है, इससे बात करो, ये बहुत दुखी है, इससे बात करो, ये डाउट करता जाओ, इससे बात करो। बात करते करते इतना प्यार हो जाएगा, बोले हम भी डाउटफुल तुम भी डाउटफुल, गले मिल ले, बोले तेरे साथ रह ले, बोला हाँ मेरे साथ रहो, हम दोनों का नेचर कितना मिलता है। कभी रस्ते पे देखा एक पतला सा आदमी 5-6 आदमियों को मार के गिरा देता है। तुम कभी रियल लाइफ में देखना, कई लोग ऐसे होते हैं देखने में इतने सॉलिड नहीं है, लेकिन अगर गुस्सा आ गया उनको, 1 या 10 को लपेट लेंगे। पूछो कैसे, वो इतना गुस्सा आता है, उनके अंदर गुस्से का डीमन है। अब लड़ाई वो थोड़ी ना कर रहे, डीमन लड़ाई कर रहे। जब उनको गुस्सा आता है डीमन एक्टिवेट हो जाता है, और फिर डीमन उनके द्वारा लोगों को धो रहा है। फिर आदमी पिटाई करके बोलता है मैं कितना पिटाई करता हूं, मैं ऐसे क्यों करता हूं। तो तुम्हारे प्राणों में भी तो हीलिंग आनी चाहिए कि नहीं, तुम्हारी सोच बदलनी चाहिए, तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहिए। आमीन।